जो हो गया उसे सोचा नहीं करते और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। यानी जो हो गया उसे सोचा नहीं करते और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल होती है उन्हें सफलता, यानी हासिल होती है उन्हें सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। सो हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो मैं आज सुबह सुबह पढ़ रहा था और सुबह यानी बोल सकता हूँ रात में ही पढ़ रहा था और टाइम हो रहा था 3:30, लेकिन मैं पहले उठ गया था 3 बजे से और 3:46 टाइम हो रहा था जब मुझे भूख लगी। और भूख इतनी तेज लगी थी, कभी आपको भी ऐसा रियलाइज हुआ है कि जब जल्दी उठ जाते हैं या जल्दी उठ के पढ़ने लग जाते हैं तो उसके बाद फिर भूख लगती है? अब जैसे जैसे प्रीलिम्स नजदीक आता जा रहा है उस भी प्रकार से मैं सुबह जल्दी उठने के लिए और तैयार हो जाता हूँ और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर देता हूँ। तो मैं जब किचन में गया तो किचन में जाके देखा कि मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिला। अब मेरे माइंड में बस एक ही चल रहा था कि कोई मैं अगर सहारा दे सकता है, अगर मेरी हेल्प कर सकता है तो वो कर सकता है जोमेटो या फिर स्विगी। लेकिन जोमेटो पर कुछ खाने को मिल ही नहीं रहा था क्योंकि रात को सारे रेस्टोरेंट बंद थे। लेकिन सुबह सुबह स्विगी पर जब मैंने ओपन किया तो वहाँ पर एक रेस्टोरेंट ओपन था जहाँ से मुझे मिल सकता था। तो बस मैंने पराठा ऑर्डर कर दिया और देखते हैं, इंतजार करते हैं, तब तक अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं स्टडी कर रहा हूँ और उसके बाद फिर जब तक आएंगे वो वेट करते हैं। तो मैंने थोड़ा भी वेट किया, उसके बाद जो डिलीवरी बॉय थे वो आ चुके थे और उसके बाद फिर उनसे मैंने अपना ऑर्डर था वो लिया और पेमेंट किया। पेमेंट आपको बता दूँ, रात में मैंने जो ऑर्डर किया वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है क्योंकि रात में डिलीवरी बॉय जो होता है एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो इस वजह से तो अपने घर आया और घर पर आने के बाद सबसे पहले तो पानी गर्म किया क्योंकि पानी गर्म करना बहुत ज़रूरी है। तो बस सबसे पहले तो पानी गर्म कर लिया। और ये आप लोग सोच रहे होंगे कि फूड ब्लॉग है क्या, लेकिन इस टाइप का बन जा रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा। लेकिन कोई नहीं, क्या है ना, सुबह उठा भूख लगी इतनी तेज तो बस पराठा आ गया, चटनी भी साथ में है और एक चीज़ और मैंने मंगाई है कुछ। तो चलिए फिर खाते हैं और उसके बाद फिर अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद फिर मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर अपने जो नोट्स थे उनकी रिवीजन करनी है। अब नोट्स की रिवीजन करनी है तो चलिए फिर नोट्स की रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। और ये मेरे नोट्स सुबह एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स हैं तो इनकी रिवीजन करनी है सबसे पहले। और रिवीजन मैं बता दूं आपको कि अभी क्या है, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं हर सब्जेक्ट के, ठीक है? तो ये भी मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है? तो एंशिएंट हिस्ट्री के जैसे शॉर्ट नोट्स हैं तो इनको फटाफट से मैं रिवाइज कर रहा हूं ताकि मेरी अच्छे से तैयारी हो जाए। और इसके फिर मैं टेस्ट लगाऊंगा आज ही, तो आप लोग समझ सकते हैं टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस लगा लेंगे, चलिए फिर इसको कंप्लीट करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड साथ में आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वैसे आपको बता दूं, जैसे जैसे प्रीलिम्स जो है नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे मेरे दिल की जो है धड़कन बढ़ती जा रही है। और मैं वैसे तो लाइब्रेरी में सबसे ज़्यादा मतलब स्टडी करता हूं, लेकिन घर पर कभी कभी करता हूं, तो इस वजह से आज भी बस ऐसे ही कर रहा हूं। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं टेस्ट लगाऊंगा। और जैसे कि आपको बता दूं, प्रीलिम्स जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है वैसे भाई मेरी भी टेंशन है और आपको भी टेंशन बढ़ती जा रही है। अगर आप लोग प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो पीडब्ल्यू के कोर्स जो है उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीलिम्स जो है रिवीजन और प्रैक्टिस का ही गेम है। अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं या फिर रिवाइज करने हैं, साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, तो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस लेकर आया है प्रीलिम्स क्रैश कोर्स जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सीसेट, जीएस क्लासेस, साथ में आपको करंट अफेयर्स की क्लास भी मिलेगी, स्टडी मटेरियल रहेगा, प्रैक्टिस के लिए सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे। ये इंग्लिश मीडियम में होने वाला है। और अगर आप रिग्रेस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस लेकर आया है रिग्रेस प्रीलिम्स प्रोग्राम जिसमें आपको जीएस और सीसेट के क्वेश्चन मिलेंगे, साथ ही आपको जीएस पेपर का डिस्कशन मिलेगा और साथ में ऑल इंडिया रैंक के साथ आप प्रिपरेशन का अंदाजा लगा सकते हैं। और इसके साथ ही आपको करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे, बजट और इन सब का जो है टेस्ट मिलेगा जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम में होने वाला है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या फिर 2 से 3 साल बाद अगर आप प्रीलिम्स का टेस्ट देने वाले हैं यानी यूपीएससी अटेम्प्ट देने वाले हैं तो आपकी प्रिपरेशन के लिए स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप प्रारंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 3 ईयर का प्रोग्राम है और जिसमें आपको एनसीईआरटी, जीएस ऑप्शनल, सीसेट और टेस्ट सीरीज A to Z आपको सब कुछ कवर कराया जाएगा। साथ ही इसमें खास फीचर्स अवेलेबल है जो कि 1st 2 ईयर में आपको हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स की भी क्लासेज मिलेंगी एंड साथ में इंडस्ट्री रेडी बनाई जाएगी। तो बाकी डिटेल्स के लिए आप लोग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, लिंक पर क्लिक करें और मेरा कूपन कोड यूज करें RAN500 सो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। ये मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बनाए थे जो कि पूरी एंशिएंट हिस्ट्री मैंने ओनली 5 से 7 पेज में करीब ऐसे मतलब बांट दी है जो कि पूरी कंप्लीट कर दी है इतने में ही, देख सकते हैं आप लोग। तो इस टाइप से कुछ मतलब कि मुझे समझ में आ जानी चाहिए, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब ये हल्के से मैं मतलब इसको मैं पूरी एंशिएंट हिस्ट्री को ओनली 1 घंटे के अंदर यानी 1-1.5 घंटे के अंदर जो है पूरी कंप्लीट कर लिया। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पूरी रिवीजन करने में काफ़ी मदद हो जाती है और प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है ये मेरे लिए। तो मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं, ऐसे ही मैं हर सब्जेक्ट की तैयार कर रहा हूँ धीरे धीरे ताकि जो है मुझे काफ़ी अच्छी हेल्प मिल जाए, ठीक है? तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं और सुबह सुबह अगर नोट्स की रिवीजन हो तो कितना अच्छा रहता है, तो मज़ा आ गया एकदम।
चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड मुझे फॉलो कर लो, एंड कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। वैसे हालत देख सकते हैं आप लोग, सुबह की ऐसे ही हो चुकी है, पर पढ़ते पढ़ते कोई नहीं हो जाती है। और आप लोग की क्या चल रहा है आजकल कमेंट बॉक्स में बताओ, सुबह उठ के पढ़ते हो यार, आपको इसका जवाब जरूर देना, ठीक है। तो गाइज मैं अभी जो है एंशियंट हिस्ट्री के जो टेस्ट हैं वो लगा रहा हूँ, यानी तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगा लूँगा अभी। मतलब पहले मैंने अटेम्प्ट कर रखे हैं ये सब, लेकिन दोबारा से मैं सोच रहा हूँ एक बार और री अटेम्प्ट कर दूँ इनको, तो सेक्शनल टाइप का मेरा बन जाएगा। तो बस चलिए फिर इनको अटेम्प्ट कर देते हैं, एंड कुछ कुछ टेस्ट पीछे के रह गए तो उनको भी कवर कर लेते हैं, रिवीजन कर ही लिया है तो, ठीक है। तो अभी एंशियंट हिस्ट्री का टेस्ट लगाता हूँ, ठीक है, देखते हैं। ऐसे ही मैं एक एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर करके और उसके टेस्ट लगाता जा रहा हूँ साथ साथ में, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम कम मिल पाया है, क्योंकि अभी मेरे कॉलेज के एग्जाम जो है कंप्लीट हुए थे, और एग्जाम कंप्लीट हुए उसके बाद फिर अब मैं तैयारी में लगा हुआ हूँ, क्योंकि जब तक कॉलेज के एग्जाम नहीं हो जाते तब तक जो है मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा था। और आप लोग जानते हैं कि जब तक हमारी कॉलेज अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाएगी तब तक हम यूपीएससी का किस प्रकार से दे पाएंगे। तो इसी वजह से कॉलेज के तब से एग्जाम चल रहे थे, इस वजह से मैं अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा, क्योंकि बीच में डिस्टर्ब हो जाता हूँ। और अभी फिर कॉलेज के एग्जाम होंगे शायद मई में या फिर मई से पहले हो जाएंगे, कुछ पता नहीं है, लेकिन देखते हैं। बस क्या है, अभी मैं एक एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करके 5-5 दिन 6-6 दिन या फिर 7-7 दिन देखें और उसको कंप्लीट करके उसके टेस्ट लगा रहा हूँ, और सेक्शनल टेस्ट लगा रहा हूँ पहले, उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट मैं बाद में लगाऊंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम कम मिल पाएगा फुल लेंथ टेस्ट लगाने के लिए। पीसीएस का मुझे यार समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन चलिए फिर पहले पानी पी लेते हैं, सुबह सुबह हो चुकी है तो सबसे पहले पानी गर्म किया, उसके बाद फिर पानी पिया मैं। और पानी आप लोग जानते हैं कि सुबह सुबह जल्दी ज़्यादा पानी पियो करो, क्योंकि यार हमने शरीर में थोड़ा पानी ज़्यादा पीने की जरूरत है, यानी 4 लीटर पानी पीना चाहिए। तो मैं बस पानी ज़्यादा पीता रहता हूँ गर्म करके ऐसे। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं सुबह हो चुकी है, और जैसे कि आप लोग को दिखा दूँ, ये जो आप लोग देख पा रहे होंगे बोर्ड मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है, यानी यहाँ पर मैंने टारगेट लिख लिया था, और धूप भी निकल आई है, मतलब तैयारी कर रहा था अंदर ही अंदर, तो इस वजह से। चलिए फिर चलते हैं और अपना ब्रश करते हैं और फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद फिर खाना खाएंगे, क्योंकि दोपहर सुबह तो खा ही लिया था। खैर चलिए फटाफट से मैंने पहले तो ब्रश किया, ब्रश करने के बाद सरस्वती ने पराठे बना दिए थे, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और घर पर बस ऐसे ही पराठे खाए। वैसे तो पहले मैं न्यूज़पेपर कंप्लीट करके आ गया धूप में ही, और उसके बाद फिर पराठे बनाने आया, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, एकदम कैसे खा लूँगा, सुबह भी खाना खाया था इस वजह से, तो खाना ही खा रहा हूँ लेट थोड़ा सा, लेकिन कोई नहीं, चलिए फिर खाते हैं और इसको भी, क्योंकि सुबह सुबह बस कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड आज का मेरा जो ब्लॉग है बस इतना ही, आप सभी आप लोग देख सकते हैं। एंड आपको कैसा लगा वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जो कि आरएल कौन सा है यूपीएससी हेल्पलाइन सॉरी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।